ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज आबू रोड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व गति से कार्य किए गए हैं। इन 9 सालों में देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। MBBS की सीटों में 107% और PG सीटों में 114% की वृद्धि हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन को सशक्त करने की ओर बड़ा कदम है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन है उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। भारत का हर मनुष्य स्वस्थ हो, इसी लक्ष्य को साकार रूप प्रदान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने सन 1991 में राजस्थान के माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से माउंट आबू, आबू रोड, मुंबई आदि स्थानों पर कई अस्पताल संचालित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आबू रोड में 50 एकड़ भूमि पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है। हॉस्पिटल में मुख्य रूप से न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी की विशेष यूनिट शुरू की जाएगी। इसके अलावा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, पैलिएटिव केयर और जेरियाट्रिक केयर की भी सुविधा रहेगी। इसमें जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का विस्तार तथा शिवमणि वृद्धाश्रम के सेकेंड फेज का निर्माण भी किया जा रहा है। 250 बेड की क्षमता वाला यह हॉस्पिटल कुछ ही वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं केवल बड़े शहर तक सीमित थी, वे सुविधाएं इस हॉस्पिटल के माध्यम से स्थानीय जरूरतमंद लोगों को सहज ही उपलब्ध हो सकेगी। ओम शांति।